तो जो जब देखती हैं कि अब ये लोग नहीं जाने देंगे, तो सीता जी क्या कहती है, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह और नदी बिनु बारी, तो ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नदी। माता वो जा रहे हैं तो ये साम्राज्य हमारे लिए क्या है, शिष्टाचार देखो, एक दूसरे का प्रेम देखो। वो महलों में रहनी आज देख रही हो, जैसे आप लोग, जैसे आज चल रहा है मोबाइल पर, एक अधिकारी ने कैसे क्या किया है, पूरे समाज पर कालिख लगा दिया पूरे और समाज पर, है ना। अब जो कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके दिमाग में तो ये बैठ जाएगी कि भाई बच्ची हो, हमारा तो पढ़ाने का फर्ज है, लेकिन अब जहाँ जाओगे वहाँ के लोग क्या सोचेंगे, वही तो लोग डरेंगे कि अरे भाई किसी परिस्थिति से मैं पढ़ा लिखा करके इसको ऊँचा कर दिया तो फिर कहीं और चली जाएगी। तो जो समाज में हमारे घटनाएँ घट रही हैं ये बहुत ही शोचनीय है, निंदनीय है। तो फिर सीता जी ने क्या कहा कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी और तो ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नदी। इतना अच्छा शरीर है, इस शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं, इसमें से जो जीव निकल गया तो फिर ये शरीर बेकार है ना, जल्दी हटाओ, जल्दी फेंको, जल्दी करो। नदी है उसमें का जल खत्म हो गया तो फिर वो क्या हो गया, नाला हो गया, नदी खत्म हो गई। उसी तरह से जब हमारे पतिदेव ही नहीं है, वही नहीं यहाँ रहेंगे, तो मैं यहाँ राज्य का सुख लेकर के क्या करूँगा, वो हमारे किस काम का। तो ये सब हमारे पहले से दिया हुआ है, उसमें भी थोड़ा आप लोग रुचि लो, दो लाइन चार लाइन पढ़ो, उससे आपको सभ्यता संस्कार मिलेगा। जब तक सभ्यता नहीं है, संस्कार नहीं, तब तक कुछ नहीं। वहाँ भी देखो वही कहानी, हरिश्चंद्र के साथ में।